दोस्तों मैं अभी क्लास को यूट्यूब पे लेके आ रहा हूँ टेनिस से रिगार्डिंग अपना सेकंड पोस्ट मैच एनालिसिस। जो सेकंड पोस्ट मैच एनालिसिस लेके आया हूँ वो एटीपी रैंकिंग नंबर वन पे चल रहे और शानदार परफॉर्मेंस दे रहे कार्लोस अल्कराज उनके खिलाफ लेके आया हूँ। और जो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं कार्लोस अल्कराज और इस बार भी शानदार प्रदर्शन किया। उनका मैच था स्टेफानोस सिसिपास, ग्रीक के प्लेयर हैं, बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, बट कार्लोस अल्कराज के खिलाफ अभी तक एक भी सफलता हासिल नहीं हुई है और इस बार भी वैसा ही रहा। कार्लोस अल्कराज ने बोला था कि भाई मैं उनसे सभी मैच जीता हूँ बट वो प्लेयर बहुत अच्छे और मैं चाहूंगा कि अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करना, और उन्होंने वैसा ही दिया जैसा उन्होंने अपना इंटरव्यू में बोला था। दोस्तों पोस्ट मैच एनालिसिस में बढ़ने से पहले एक बार बता दूं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया तो नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए ताकि सारी पोस्ट मैच प्री मैच सारे ब्लॉग्स कम्युनिटी में पोस्ट आपको तुरंत से तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों फिलहाल पहले सेट की ओर बढ़ते हैं। तो पहले सेट की शुरुआत कार्लोस अल्कराज ने जबरदस्त की, अपनी सर्विस गेम पे तो होल्ड रखा, सिसिपास ने भी रखा, उसके बाद अल्कराज ने सर्विस गेम ब्रेक कर दी, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, फिर सिसिपास ने भी रखा, उसके बाद कार्लोस अल्कराज ने 5-2 पे सर्विस गेम फिर से ब्रेक कर दी और एक बार अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा और 6-2 से पहला सेट जीता। अगर सेकंड सेट की बात करें तो सेकंड सेट में भी बढ़िया प्रदर्शन रहा, सेकंड सेट में अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, उसके बाद सर्विस गेम ब्रेक कर दी, इस बार एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार सर्विस गेम ब्रेक कर दी। और स्टेफानोस सिसिपास को एक बार समझ नहीं आए, तीन ब्रेक पॉइंट्स आए, तीनों के तीनों बार ब्रेक पॉइंट्स में सपूरा साफ कर दिया, ब्रेक पॉइंट्स हासिल करके वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्ले में सिसिपास को चाहिए था बढ़िया प्रदर्शन करना, अब उनको थर्ड सेट पर उम्मीदें थी सिसिपास को, क्योंकि सेकंड सेट तो वो तीन बार सर्विस गेम ब्रेक हुई, कार्लोस अल्कराज ने होने नहीं दिया अपनी सर्विस गेम ब्रेक और सेकंड सेट जीते थे वो 6-8 से। थर्ड सेट में सिसिपास लग रहा था क्या अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे बट शुरुआत वैसी नहीं बता रही थी, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, कार्लोस अल्कराज ने सर्विस गेम ब्रेक की, उसके बाद फिर से अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, 3-0 से आगे चल रहे थे, फिर सिसिपास ने अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, फिर अल्कराज ने अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, फिर सिसिपास ने एक बार अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा और सर्विस गेम में फाइनली ब्रेक कर दी। और कब की, जब अल्कराज सर्विंग फॉर द सेट एंड मैच करवा रहे थे, बढ़िया प्रदर्शन किया 5-3-5 पे जब वो पीछे थे, कार्लोस अल्कराज की सर्विस गेम ब्रेक की, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा और लगातार बढ़िया प्रदर्शन किया इस बार और मैच में बराबरी लिया, खासकर बोले सेट में आ गया 6-6, बट अब चाहिए था टाई ब्रेकर में सिसिपास को बढ़िया प्रदर्शन करना अगेंस्ट कार्लोस अल्कराज, और कार्लोस अल्कराज ने इस बार बाजी फिर से मार ली भाई, मिनी ब्रेक ज़्यादा हासिल किए और 6-3 से लीड कर रहे थे, सेट पॉइंट थे और सेट पॉइंट पहला सेव किया, सेकंड सेव किया बट थर्ड सेव नहीं कर पाए और 7-5 से टाई ब्रेकर जीता और मैच जीता, बढ़िया प्रदर्शन करते 6-2, 6-8 और 7-6 से टाई ब्रेकर स्कोर रहा 7-5। अब वो नेक्स्ट राउंड में प्रवेश कर चुके हैं, नेक्स्ट राउंड में जो मैच हो रहा ओरन नोवाक जोकोविच के खिलाफ, दोनों का प्रदर्शन अब देखना पड़ेगा भाई। कार्लोस अल्कराज ने बोला इंटरव्यू में आपने कि अगर आपको बेस्ट प्लेयर बनना और बेस्ट को हराना ही पड़ेगा, और जोकोविच आ गए हैं, क्या जोकोविच के खिलाफ फिर से बढ़िया प्रदर्शन कर पाएंगे? पिछले साल तो किया था अल्कराज ने जोकोविच और राफा नदाल को लगातार क्ले कोर्ट में हरा के, वो तो हमें फिलहाल भर्ती बताएगा। फिलहाल एसीज की ओर नजर डाल तो एसीज में बढ़िया प्रदर्शन किया, 6 एसीज लिए, दूसरी ओर सिसिपास ने 5 एसीज लिए बट 5 डबल फॉल्ट भी किए। स्टेफानोस सिसिपास के खिलाफ कार्लोस अल्कराज 6 एसीज लिए, 8 ही डबल फॉल्ट किया और उसके बाद देखा जाए ब्रेक पॉइंट्स ज़्यादा आए नहीं, 1 out of 2 आया ब्रेक पॉइंट्स, 50% सेव किया। दूसरी ओर स्टेफानोस सिसिपास ब्रेक पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा है, सेव कम हुए 6 out of 12, 50% जरूर है बट ब्रेक पॉइंट्स ज़्यादा आए हैं, 6 बार कन्वर्ट हुई है स्टेफानोस सिसिपास की सर्विस गेम। और दूसरी ओर देखा जाए कार्लोस अल्कराज सिर्फ 1 ही बार कन्वर्ट होने दी जो ब्रेक पॉइंट्स हुए थे सिसिपास कन्वर्ट कर पाए थे जब वो सर्विंग फॉर द सेट एंड द मैच करवा रहे थे। फिलहाल इन दोनों के बीच में 5वीं मीटिंग थी और 5-0 से आगे निकल गए हैं कार्लोस अल्कराज हेड टू हेड रिकॉर्ड में। अब सिसिपास को बढ़िया प्रदर्शन करना होगा, क्या लगता है उनके खिलाफ बढ़िया प्रदर्शन कर पाएंगे अपने आने वाले मैचेस में, कमेंट सेक्शन में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।